तो पंजाब से आम आदमी पार्टी से सांसद भगवंत मान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भगवंत जी, जनता टीवी पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेहरबानी, जी। बहुत धन्यवाद। भगवंत जी, जिस तरीके के हालात पंजाब में देखने को मिल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है, इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं लॉकडाउन आगे बढ़ाने का कोई आलोचना नहीं करूंगा, जी। लेकिन उस लॉकडाउन में जो लोगों की जीरो पॉइंट बिल्कुल धरातल पर कह सकता हूं मैं कि जीरो पॉइंट पर क्या लोगों की स्थिति है, उसके बारे में भी उनको शायद पहले ही पता होना चाहिए जी। कि वहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई राशन इमरजेंसी ना हो। लॉकडाउन बढ़ाने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये समय कोई राजनीति करने का नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अगले 21 दिन में कैप्टन साहब को ये मेक श्योर करना चाहिए या रोड मैप देना चाहिए कि हाँ, हम इतने डॉक्टर्स को पीपीई और इतने जो सफाई कर्मचारी हैं या जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये रोड मैप उनको देना चाहिए। जी भगवंत मान जी, जिस तरीके से आपने भोजन का, राशन का, रसद का जिक्र किया है, आप पंजाब के पास इतना रसद है बफर सिस्टम के जरिए, वो अन्य राज्यों को भी उपलब्ध करा रहा है, साथ में मंत्रियों का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि पंजाब के पास इतना रसद मौजूद है कि वो अगले 10 सालों तक अपने लोगों को बैठा के खिला सकता है। देखिए, गुरु नानक देव जी का 20 रुपए का एक लंगर शुरू हुआ था जी, जो रहती दुनिया तक खत्म नहीं होगा, पूरी दुनिया। हाँ, पंजाब के पास रसद है, पंजाब में चाहे वो कोई कर्नाटका से है, चाहे कोई वो बंगाल से है, बिहार से है, पंजाब में वो भूखा नहीं सो सकता जी। मैंने भी कल जो ढाबे वगैरह हैं वहाँ पे जो स्टक हो गए ट्रक ड्राइवर या कंबाइन वाले या परदेसी जो हैं, तो उनको मेरी भी टीम, एक आज भी मेरी टीम गई है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में कोई भूखा सोएगा, क्योंकि पंजाब में सेवा भाव बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी एफर्ट्स चाहिए हमें, सरकार की तरफ से। हाँ, ये नहीं चाहिए सरकार की तरफ कांग्रेस वाले कांग्रेस वालों को बांट रहे हैं, अकाली वाले अकालियों को बांट रहे हैं, ऐसा ये समय ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक आप कोई लाभ लें। भगवंत मान जी, सूबे के अंदर जिस तरीके से टेस्टिंग चल रही है, क्या टेस्टिंग की स्पीड विपक्ष इसको किस तरीके से देखता है कि टेस्टिंग और होनी चाहिए या फिर स्पीड सही है? देखिए, आज मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री हैं मेरे स्टेट के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि टेस्टिंग की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर हम टेस्ट करें, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको पॉजिटिव हो गया वो मर ही जाएगा, बचने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा, तो टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए, अगर हमारा तो एमपीलैड्स भी चला गया, जो मैं मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर, अगर मैं, मेरा डिप्टी कमिश्नर कुछ मेरे से रिक्वेस्ट करता कि हाँ जी हाँ ये चाहिए, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो एमपीलैड्स क्यों स्थगित कर दिया? इसके लिए भी हमने मतलब मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट की थी, प्रधानमंत्री से आज उनकी बात हुई कि कृपया हमारा एमपीलैड्स, हमारा वेतन काट लो, 30% नहीं 50% काट लो, लेकिन मतलब जो एमपीलैड्स है वो तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक पर हमें खर्च करने की अनुमति होनी चाहिए। जी, पब्लिक पर खर्च करने की अनुमति होनी चाहिए, और तमाम तरह के इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें भगवंत मान जी, पीपीई हो गया, N95 मास्क हो गए, ये भी बेहद अहम हो जाता है। तरह तरह की तस्वीरें सूबे के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं कि इस तरीके की जो है ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या संदेश
आम आदमी पार्टी अपने सूबे के मुखिया को देना चाहेगी? देखिए हम विपक्ष में हैं, जी आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष पार्टी है। जी हमारा काम सरकार के कामों पर ध्यान रखना है। जी तो इस सिलसिले में बींग ए प्रेसिडेंट, मैं प्रधान हूं के नाते ये कह सकता हूं कि मैं सरकार को पूरी तरह से राजनीति से ऊपर उठकर, ये वो आलोचना निंदा से ऊपर उठकर आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कम से कम डॉक्टरों को तो प्रोटेक्ट कीजिए ना, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं होंगे तो फिर वो कैसे बचाएंगे दूसरों को? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि मेडिकल स्टाफ जो भी है, बल्कि उनके लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, स्टाफ नर्सों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, जो अपना एम्बुलेंस वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं पंजाब में, उनके लिए विशेष भत्ता या विशेष उनके लिए कोई अनुदान जब ऐसा होना चाहिए ताकि वो दुगने हौसले से काम करें, उनकी अप्रिशिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भगवंत मान जी, सूबे के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, देश के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन की ये परिस्थिति है, महामारी की ये परिस्थिति है। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पे रहिए, घर पे रहिए, घर पे ही रहिए। मैं पंजाबी च कहना, करें रहो, करें ही रहो, करें ही रहो। जे तुसी ये सोचते हो कि मैं कड़ा बीमारी है तो तुसी घर तो बाहर जाने हो सकता है तुसी ऐसे बंदे दे संपर्क च आ जाओ तो उस बीमारी नूं तुसी वापस ले आओ अपने घर। एक डॉक्टर साहब ने मेरी गल हो रही थी, वो कहंदे भी कोरोना दे पैर नहीं हैगे, कोरोना दे पैर नहीं हैगे, पर जे तुसी बाहर जाओगे तो कोरोना नूं पैर दे दोगे तो वो उन्हां पैरां राहीं तुहाडे घरें जा फिर अलग अलग जगह ते जाओ। जी भगवंत मान जी, मोहाली से बहुत सारे केसेस सामने आए हैं और मोहाली कहीं ना कहीं अब कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वजह रही जिसके पीछे मोहाली में इतने सारे केसेस निकल करके सामने आ रहे हैं? देखो जिथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जी मोहाली दे नेड़े एयरपोर्ट ने, जी मुंबई दे नेड़े एयरपोर्ट है, दिल्ली दे नेड़े, सो एयरपोर्ट दे नेड़े काफी ज्यादा संख्या च लोग जड़े ने वो पॉजिटिव आ रहे या नेगेटिव आ रहे ने। जी तो मैं तो यही कहूंगा कि घरे रहो, लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन, और जड़ा लॉकडाउन है ये सरकार ने तुहाडी तुहाडे ते तुहाडे परिवार की सुरक्षा वास्ते कीता है। जी हो कोई सरकार ने कोई लाभ लैण वास्ते या कोई राजनीतिक मेरे ख्याल च लाहा खट्टण वास्ते नहीं कीता। मैनू लगता है कि मैं तुहाडे जरिए ये कह सकां, जिन्ने भी मेरे फैन मैनू चाहण वाले, कृपा करके करो ते आपां इस लॉकडाउन राहीं इस महामारी का मुकाबला कर सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद भगवंत मान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम राय अपनी साझा करने के लिए। बेहद अहम हो जाती है इस महामारी के दौर में तमाम लोगों की राय और तमाम लोगों की सलाह, सिर्फ एक कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपकी और आपके अपनों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और कोरोना के पैर नहीं है। जैसा कि भगवंत मान ने साफ तौर पर कहा कि आप घर से बाहर निकलते हैं कोरोना को पैर दे देते हैं और घर लेकर के आते हैं और अपने साथ साथ अपनों की भी जान मुसीबत में डालते हैं।